हापुड़ के वार्ड नंबर 28 के लोग इन दिनों पानी की किल्लत से बेहद परेशान हैं। सिकंदर गेट स्थित ओवरहेड टंकी से पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए यहां वहां से पानी लाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि लो वोल्टेज के कारण मोटर का पंप काम नहीं कर रहा। टंकी परिसर में खड़े जनरेटर में डीजल की आपूर्ति ना होने की वजह से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। ये हालात पिछले 3-4 दिनों से बने हुए हैं, जिससे गुस्साई महिलाओं ने गुरुवार को पानी की टंकी पर पहुंचकर हंगामा किया और मांग की कि क्षेत्र की जलापूर्ति को सुचारू किया जाए। पानी के लिए आए रोज के हमारा पानी ना आ रहा मोटर में भी। कितने दिन से नहीं आ रहा? वैसे तो महीना सारा होगा और अब तो आ ही ना रहा कई दिन से। अच्छा, कई दिन से ना आ रहा, पीने तक को भी तरस रहे पानी को लोग। अब तो गुड़िया ने बना शेयर पर पानी कहां से लाए? पानी ढोकर ताला लगा पड़ा है, यहां कोई नहीं है। जो है 2 घंटे हो गए यहां ताला लग रहा, घूमते सारे में घूमते फिर हम चौकी में भी गए, सब जगह गए पर कोई समस्या हल ना हमारी हो रही। जो पानी आना चाहिए, बेशक ताला लग रहा मगर ट्यूबवेल चल रहा, पानी आना चाहिए। वार्ड नंबर 28 के सभासद रिजवान ने बताया कि सिकंदर गेट स्थित ओवरहेड टैंक पर बिजली के संकट के कारण पिछले 3-4 दिनों से क्षेत्र की जलापूर्ति बाधित है, जिसकी वजह से लोगों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। कागजों में तो डीजल की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन असल में टंकी के जनरेटर में समय पर डीजल की आपूर्ति ना होने की वजह से मोहल्लेवासी बेहद परेशान हैं। आपको बता दें कि इलाके में आ रही लो वोल्टेज की वजह से मोटर पंप काम नहीं कर रहा, तो वहीं जनरेटर में भी डीजल ना होने की वजह से पानी की किल्लत हो रही है। मोहल्ला भंडापट्टी, मोहल्ला हीरा मस्जिद, शाहबिलात मस्जिद, पुराना कमिला, कोटला सादात आदि क्षेत्र के लोग पिछले 4 दिनों से बेहद परेशान हैं।